ये हमारा नया बारबेक्यू है। इससे पहले भी हमारे पास था एक, पर हमने शिफ्टिंग के टाइम उसे डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी था। तो ये वाला जो है ये छोटा कॉम्पैक्ट, इसके साथ ये जाली आई है। इसके साथ एक और ट्रे थी, कूलिंग रैक जो हमने बारबेक्यू, इसमें ये जाली स्लाइड होती है। इस पे डायरेक्टली ना रखें क्योंकि बहुत बार चिपक जाता है। व्हाट वी गोइंग टू डू, इसे लटका के हमारे पास बारबेक्यू स्टिक्स है ताकि डायरेक्ट इस पर बहुत बार चिपक जाता है। हम लोग ऐसे करेंगे, ये देखो ऐसे करेंगे हम लोग, ये है चिमनी स्टार्टर। तो बहुत आसानी से इसमें जो कोल है वो जला सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे पेपर डालते हैं, यहाँ पे पूरा पेपर ठूस के, पेपर भर के, इसे यूं रख के एक बार में इसमें 2 kg कोल जला सकते हैं। साइड से फिर यहाँ से नीचे जो छेद है यहाँ से फिर पेपर को जलाते हैं, आग ऊपर उठती है उससे कोल जल जाता है। पर हम लोग आज पेपर की जगह हम लोग कपूर ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये न्यू लिया है हमने क्योंकि लास्ट टाइम जब भी हमने इसके बिना बारबेक्यू करने की किया था तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को कोल को जलाने में लगा था। इससे बहुत जल्दी होता है तो ये लिया है। काफ़ी हैवी है ये, क्या बना रहे हैं आज हम वो तुम बताओ। अब मैं आपको क्विकली दिखाने वाली हूँ मैरिनेशन एंड एवरीथिंग। तो पनीर, मशरूम, आलू और बहुत कुछ। जो बनाना है वो बनाएंगे या इधर ही खत्म होगा सब? हर बार मेरे पीछे पड़ जाते हैं। क्या मुझे वो 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 हर बार मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैं बचपन ही खाते हूँ। इससे बचा हुआ है बहुत सारा। अब ये मशरूम्स मैंने वॉश कर लिए, इन्हें मैं रेडी कर रही हूँ। और ये है दम आलू वाले छोटे आलू। पोटैटोज़ को बारबेक्यू में यूज़ करने से पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली अगर बारबेक्यू पे इन्हें रखते हैं तो ये कच्चे रह जाते हैं। ये है दही जिसमें से गया है पानी, पानी चला गया, टंगा हुआ दही है ये। दही को मैंने पानी निकल जाने तक बांध के रखा था। तो टोटल 400 ग्राम दही में से हाफ हाफ मैं 2 अलग अलग मैरिनेट बना रही हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल, 1 मीडियम साइज नींबू का रस,
2-3 टीस्पून रेड चिली पाउडर या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ग्रीन वाला मैरिनेट, तो उसके लिए बचा हुआ दही जो हाफ रखा था, और ये हरी मिर्च, धनिया, पुदीना का पेस्ट, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, सरसों का तेल या फिर रेगुलर ऑयल, मुझे सरसों का तेल ही इसमें पसंद है, तो मैंने पनीर, मशरूम, आलू सबको डिवाइड कर दिया है, तो थोड़ा सा रेड वाले मसाले में और थोड़ा सा ग्रीन वाले मसाले में, तो काफ़ी क्विकली ये हो जाता है। और क्योंकि सब वेजिटेबल्स है, वेजीज है, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हंसी आ रही है मुझे, अब मेरे से नहीं सीटी बज रही। कितने लड़के पटाए थे तुमने सीटी ऐसे बजाए? मैंने भी पटाए ऐसे सीटी तो। लड़के पटाने के लिए तो सीटी सीखी थी, मुझे तो ऐसे ही पता चला था। अच्छा ऐसे है, फिर भी तुमने उसको शादी की? मुझे भी पटाने के लिए बजाई थी। अच्छा, कब बजाई थी? चेन्नई में? ये सिलिकॉन के लिड्स काफ़ी सही पड़ते हैं, फ्रिज में अच्छे से बर्तन के ऊपर लग जाते हैं, बस लगा दो और फ्रिज में रख दो। और ये थोड़ी सी फिश है ग्रीन और रेड मसाले में। अरे अरे क्या देख रहे हो आप? सो गया। राहिने है। पापा जी बोलो हाय। हाय। इधर देख के। हाय। अभी क्या कर रहे हो? राहिल ने की तस्वीरें देख रहे, क्या क्या कार्टून पंती करता है वो। ये तो हमारी है। सुबह उठने लगा नंगू। नंगू ये बहुत अच्छी है। उठन लगाया वो, भागे जा रहा था ना कोने में कोई। ये सब राहिने ने फैलाया हुआ तामझाम है, तो वो मग, कटोरी, डोंगा, बकेट, पानी सब लेकर यहाँ पे डाइनिंग टेबल की बेंच पर खेलता ही रहता है। बस बहुत देर तक वो अपने आप में यहाँ पर खेलता रहता है, तो हमने प्लास्टिक की शीट लगा दी है, जो ट्रांसपेरेंट वाला टेबल कवर आता है वही हमने कट करके यहाँ पर लगा के रखा है। फिलहाल नानी और दादी के साथ वो नीचे गया हुआ है, हमारे टेरेस से यानी हमारी बालकनी से दिख जाता है, तो ये बालकनी से बनाया हुआ, देखिए कैसे झूले पर बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, इसे बहुत मज़ा आता है। और ये मैं फ़िलहाल कमेंट्स पढ़ रही हूँ, कमेंट्स के रिप्लाइज कर रही हूँ। ये देखिए भैया जी ऊपर आ गए हैं। कितना खुश है ये, बिस्किट खाते हुए आया है। बहुत परेशान किया? अभी फिलहाल राहिने के नाना जी और नानी आए हुए हैं, तो नाना जी रोज उसे लगभग 2 बार, एक बार तो फिक्स्ड ही है लेकिन बहुत बार 2 बार इसे नीचे घुमाने लेके जाते हैं, और एक एक 1.5-1.5 घंटे नीचे इसे घुमा के और खिला कर लाते हैं। ये देखिए आ गया अपनी जगह पर, बस एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी और कुछ भी लेगा, बिस्किट, खाने की चीज़ कोई भी पानी में डाल देता है, सब खराब कर देता है, ऐसा ही खेलता है।
और यह राहिन्या का ट्रैक्टर जिसमें आ गया है कोयला हमारे शाम की बारबेक्यू पार्टी के लिए। आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था ये ट्रैक्टर कहाँ से लिया है, तो ये मेरी मम्मी गांव की तरफ से लाई है, बट एक्चुअली इसकी ब्रांड जब मैंने गूगल की तो ये पंजाब का ट्रैक्टर है, तो मे बी कोई यहाँ पर लाकर हमारे गाँव की तरफ कोई लाकर इसे बेच रहा होगा। मैं सोया चाप तो मैरिनेट करना भूल ही गई, तो थोड़ा सा वो भी कर रही हूँ। अगर आप बारबेक्यू करना पसंद करते हैं तो थोड़े ज़्यादा स्क्यूअर्स लेकर रखें और ये स्क्वायर वाले लें, ताकि एक ही बार में आप अपने सारे जो स्क्यूअर्स हैं वो रेडी करके रखें और जब बारबेक्यू करने लगे तो आपको स्क्यूअर खाली होने के बाद वापस उसे फिल करने का वेट ना करना पड़े। तो वीडियो में जो भी मैं बारबेक्यू स्क्यूअर्स यूज कर रही हूँ आपको उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द टेरेस किचन पर और यहाँ पर आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हो कि आपने ये कहाँ से लिया वो कहाँ से लिया, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देती हूँ जितनी पॉसिबल हो सके जो मैंने ऑनलाइन ली है या फिर जो मैंने शॉप से ली है लेकिन मुझे ऑनलाइन अवेलेबल दिख रही है, उन चीज़ों की लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आप प्रोडक्ट यूज्ड देखकर वहाँ जो नीचे लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आज हमारी सोसाइटी में बच्चों को प्रोजेक्टर पर मूवी दिखाई जा रही है, तो हमने सोचा चलो एक स्ट्रोल लगा कर आते हैं, राहिन्या को घुमाते हैं और देखते हैं नीचे क्या चल रहा है। तो हैं काफ़ी लोग हैं, पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर। यहाँ गार्डन में जो ये परगोला है यानी ये जो शेड है इसके चारों तरफ इतने ब्यूटीफुल रेड और वाइट कलर के रोजेज आए हुए हैं ना, बहुत ही अमेजिंग है। ये चिमनी स्टार्टर है बारबेक्यू के लिए, कोल जलाने के लिए यूज करते हैं, इससे कोल बहुत आसानी से और जल्दी जल जाता है। क्या कर रहे हो? क्या है ये? कपूर। रणबीर कपूर? नहीं, अनिल कपूर। स्क्यूअर लेना चाहिए, इट हेल्प्स। एक्चुअली अपना वो मेटल वाला बच गया होता। हां इधर देखो, डांस दिखाओ अपना। अच्छा अच्छा, बहुत ठंड हो रही है अपने। मम्मी मम्मी मैं हिंदी क्यों बोलती हूँ बताओ? हम हिंदी बोलती है इसलिए हिंदी बोलती है। अच्छा, पर अपन हिंदी क्यों बोलते हैं? पापा की सर्विस की वजह से। देखो मम्मा क्या कर रही है। राहिल बस चिमनी स्टार्टर के नीचे वाले एंड पे पेपर लगाना होता है, हमने कपूर भी यूज किया ताकि इजीली और जल जाए, और 10-15 मिनट्स में कोल जल जाता है। ये देखिए सारे स्क्यूअर्स रेडी है, सारे वेज वाले स्क्यूअर्स। और हाँ, हमने ऊपर रखा है काउंटर पे बारबेक्यू, बिकॉज राहिन्या है तो वो कहीं एकदम से आके इसे हाथ ना लगा दे, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया ऊपर। हाँ
मम्मी प्रिशा कहाँ है? प्रिशा घूमने गई। बस ऐसे स्क्यूअर्स को टर्न करते रहें और मेल्टेड बटर लगाएं बीच में, आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं। इसके साथ जाली दी गई है डायरेक्टली ऊपर रखने के लिए, लेकिन मैंने जाली को मूव कर दिया और स्क्यूअर्स अटका दिए ताकि जो पनीर है किसी भी तरह से कोई भी चीज़ जाली पर चिपके ना, अटके ना। हमारे स्क्यूअर्स थोड़े से और लंबे होते अगर दूसरे एंड तक पहुँचते तो मैं जो जाली है उसको पूरी तरह से निकाल देती। तो ये हमारा सेट रेडी है और देखिए क्योंकि मैंने बाकी के स्क्यूअर्स भी रेडी रखे हैं तो बस इन्हें उतारने के बाद मैं इमीडिएटली बाकी के स्क्यूअर्स रख दूंगी और अब मैं परोस रही हूँ। अब बस सर्व करने के बाद इस पर डालूंगी चाट मसाला। मैंने चटनी नहीं बनाई, ऑलरेडी काफ़ी ये स्पाइसी और फ्लेवरफुल बनाया है। आप चाहें तो चटनी, मेयो, जो चाहें आप अपने बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं। राहिल ने पनीर टिक्का खा रहा है, ये स्पाइसी है पर फिर भी ये अच्छे से खा रहा है। पंक्तीत जेवले वसल्यावरती कशी येतात ते तसं आलं ना मी आलो तुम्ही पटलं का तुम्हाला पटलं काय हो नाही ना हो ना अब इतना ठूस लेने के बाद एक वॉक तो बनती ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।